नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पिछड़ावर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव और आरटीआई एक्टिविस्ट पत्रुराम विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता कर राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संविदा पद पर नियुक्तियों को लेकर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इन कॉलेज में किया गया था, जिसको लेकर 2018 में उन्होंने लोकायुक्त के यहाँ परिवारवाद दाखिल किया था। जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर 2019 को लोकायुक्त के यहाँ परिवारवाद दाखिल किया है, जिसको लेकर 2018 में उन्होंने लोकायुक्त के यहाँ परिवारवाद दाखिल किया था जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर 2019 में लोकायुक्त के यहाँ परिवारवाद दाखिल किया गया, जिसके बाद लोकायुक्त ने इसी वर्ष फरवरी माह में शासन को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। जो भी नियुक्ति इस दायरे में थी उसको रद्द करने को कहा गया था, लेकिन इसके बाद भी प्रदेश सरकार में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि योगी और मोदी दोनों लोग भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन इस मामले में फाइलें दबा दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर रीडर पद पर नियुक्त हुए लोगों को प्रवक्ता बना दिया गया, इसके अलावा बिना किसी नियम कानून के नियुक्ति निकाल दी गई और उसकी नियुक्ति रद्द भी हो गई, लेकिन इस बीच हजारों छात्रों से बैंक ड्राफ्ट लेकर उसको वापस भी नहीं किया गया। इस प्रकार से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। इसके अलावा भी कई मामले हैं। प्रेस के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे द्वारा 2018 में एक परिवार प्रस्तुत किया गया माननीय लोकायुक्त ने। रीजन यह रहा कि होम्योपैथिक विभाग में संविदा पर बहुत सी नियुक्तियां हुई थी, जिसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। मेरे द्वारा तमाम शिकायतों के बाद भी कोई कार्यवाही न किए जाने पर मैं माननीय लोकायुक्त में 2019 को एक परिवार प्रस्तुत किया। परिवार का निस्तारण हो गया। परिवार का निस्तारण हुए 16/2/2023 को निस्तारित कर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्र प्रेषित किया जा चुका है लोकायुक्त द्वारा कि इस पर कार्यवाही किया जाए। लेकिन इस सरकार में जहां माननीय योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है भ्रष्टाचार में और अपराध में, लेकिन भ्रष्टाचार पर इनका कोई अंकुश आज तक न लग पाया है न लग पाएगा। बात इतने ही नहीं, नई चीज तो ये आ गई कि उसी संविदा वालों का रिन्यूअल करते समय इन लोगों द्वारा जिन लोगों का रिन्यूअल समाप्त कर दिया गया, उसमें दिया गया था शासनादेश में कि यदि लोक सेवा आयोग से कोई उस विषय का अगर रीडर या प्रोफेसर आ जाता है तो उस पद को समाप्त कर दिया जाएगा। जब वह रीडर पद पे पहुंच गए हैं उसके बाद भी लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में राम प्रकाश अग्रवाल जी हैं जिनका रीडर के पद पर चयन हुआ था, इनका रीडर का पद समाप्त होने के बाद इनका पुनः प्रवक्ता पर कर दिया गया, डिमोशन करते हुए नई नियुक्ति कर दी गई। उसी प्रकार अलीगढ़ में डॉक्टर निमेश कुमार जी हैं, उनका भी रीडर के पद पर नियुक्ति हुई थी, उनका भी डिमोशन करके उनके प्रवक्ता के पद पर कर दिया गया, जबकि इसका शासन कहता है कि अगर किसी भी पद पर नियुक्ति संविदा पर निकालनी है तो सबसे पहले माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन होना चाहिए, उसके बाद विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए, लोगों द्वारा आवेदकों द्वारा आवेदन किया जाना चाहिए, उसके बाद इंटरव्यू हो तब नियुक्ति हो, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार के तरीके से नियुक्ति की जा रही है। बीच में निदेशक, वर्तमान निदेशक अरविंद कुमार वर्मा जी ने एक संविदा पर और नियुक्ति निकाला जबकि वित्तीय स्वीकृति नहीं थी। मेरे द्वारा जब उस पर जो है कंप्लेन किया गया तो इनके द्वारा उसको फार्म भरवा दिया गया, बच्चे 1,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट लगा करके आवेदन किए, लगभग हजारों से अधिक की संख्या में छात्रों ने आवेदन किया है। बताइए, उस नियुक्ति को भी रद्द कर दी गई, न तो उनका पैसा वापस किया गया, न तो निदेशक के खिलाफ कार्यवाही की गई कि भाई बिना शासन की अनुमति के और बिना वित्तीय स्वीकृति के आप नियुक्ति निकाल रहे हैं, इस प्रकार तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। दूसरी चीज की निदेशक महोदय जो अरविंद कुमार वर्मा है, आज की कहानी उनकी है कि जिन शिक्षक चिकित्सक को विद्यालय में छात्रों को पढ़ाने का कार्य करना चाहिए उनको और जिन मेडिकल ऑफिसरों को, चिकित्सा अधिकारियों को अपनी डिस्पेंसरी संभाल कर दवा देने का काम करना चाहिए उनको निदेशालय में बुला करके धनुवाही का अड्डा बनाया गया, धनुवाही बार बार किया जा रहा है। और अभी शासन ने इस बात को, मेरे लेटर को संज्ञान लिया, मैंने एक लेटर 18 तारीख को जारी किया था, प्रमुख सचिव आयुष महोदय को उन्होंने संज्ञान भी लिया है और निदेशक से पूछा गया तो निदेशक ने आज अमर उजाला में छपी खबर के अनुसार निदेशक बता रहा पटेल साहेब का दोष है। मैं पूछना चाहता हूं कि पटेल साहेब कैसे कर देगा, आप अपने तो आके अंधे हैं और न तो पटेल साहेब दस्तखत करता है, निदेशक मुख्य रूप से उसका जिम्मेदार होता है, तो निदेशक को खुद उस पर अपनी हस्ताक्षर करता है, तो किस प्रकार से इस तरह किया गया है, इस तरह का महाभ्रष्टाचार है। और दूसरी चीज कहना चाहूंगा कि इस निदेशक का अरविंद कुमार वर्मा का सहयोगी मंत्री जी है, आयुष मंत्री है, इनका सहयोग पूरा पा रहे इसलिए कर रहे हैं ऐसा। दूसरी चीज,
ये जान लीजिए भ्रष्टाचार के चार आयुष विभाग में, आयुष विभाग के चार पुत्र हैं। एक तो है सदाचार, दूसरा है शिष्टाचार, तीसरा है अत्याचार, चौथा है भ्रष्टाचार। तो जब जोगी जी ने कहा कि दो ही की संख्या हम मानेंगे, तो दो को आयुष विभाग ने सुला दिया, सदाचार और शिष्टाचार को सुला दिया, एक तो रो रहा है, दूसरा सो रहा है, तीसरा है अत्याचार जो बढ़ा है, और चौथा है भ्रष्टाचार। आयुष विभाग अपने दो पुत्रों के सारे सारा काम कर रहा है, भ्रष्टाचार और अत्याचार के सारे सारा काम हो रहा है। इस पर माननीय योगी जी क्या अंकुश लगाएंगे, क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी, या केवल इस तरह एक प्रोपेगंडा रचा जाएगा और केवल कागज में दिखाया जाएगा कि हम भ्रष्टाचार को बंद कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि पुनः तत्काल लोकायुक्त महोदय के पत्र का संज्ञान लिया जाए, तथा निदेशक द्वारा जो कार्यवाही की गई है, फर्जी तरीके से गलत तरीके से नियुक्ति की गई है, इसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए निदेशक महोदय को तत्काल निलंबित किया जाए। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।